मालिकर जी, आई वुड लाइक टू थैंक आवर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चेयरमैन मिस्टर जगदीश देव वर्मा. आई वुड लाइक टू थैंक ऑल आर एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, एमडीसीज, ऑल आर लीडर्स, वॉरियर्स. मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं. आई ऑल्सो वुड लाइक टू थैंक दिल्ली पुलिस टू गिव अस दिस फैसिलिटी टू कंडक्ट सच ए स्ट्रॉन्ग सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन इन जंतर मंतर. पिछले बार हम लोग जब आए थे, माननीय मोदी जी का एंटायर कैबिनेट टीम को भी हमने धन्यवाद दिया था, और इस बार भी मैं मोदी जी को थैंक्स कहूंगा. आई नो मोदी जी यहां नहीं है, फिर भी मोदी जी सब सुन रहा है. हम क्या चाहते हैं त्रिपुरा सा लोग, बहुत लोगों को यह बात मन में आ रहा होगा, ये त्रिपुरा सा लोग जंतर मंतर में क्यों आया है. मोदी जी को मालूम है यह बात, दिल्ली की सरकार को मालूम है, त्रिपुरा सा लोग 184 किंग्स त्रिपुरा में शासन किया था, यह बात मोदी जी को भी मालूम है. अगर प्रधानमंत्री मोदी जी को यह बात मालूम नहीं होता तो महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट नहीं बनाता, नाम नहीं दिया जाता. और यह बात भी सच है, मोदी जी को यह बात अच्छी तरह मालूम है कि प्रासा लोग किस हालत से गुजर रहा है. फिर से मैं याद दिलाना चाहूंगा पूरे देश को, प्रासा लोगों के पास आज कुछ नहीं है. कई एक जमाना थे, हमारा महाभारत में आप देखिए, महाराजा त्रिलोचन जी का कुछ बातें वहां लिखा गया, हमारे राजमाला में भी ये बात अच्छा से लिखा था कि महाभारत में युधिष्ठिर जब अपने जंग जीतने के बाद एक यज्ञ किया था उन्होंने, और उस राजसुई यज्ञ में अगर हमारा महाराज त्रिलोचन जी त्रिपुरा से यहां नहीं आता तो युधिष्ठिर जी का वो यज्ञ संपूर्ण नहीं होते थे. और मैं पूरे देश को बोलना चाहता हूं, आज जो हम त्रिपुरा सा लोग है वही महाराजा त्रिलोचन जी का जेनरेशन, उनके जो बिरादरी में जो था अपने महाराज लोग, उनका ही हम त्रिपुरा सा लोग हैं. और आज इतना शासन करने के बाद इन त्रिपुरा वी हैव बिकम माइनॉरिटी. यह बात फिर से हम लोग कहना चाहूंगा, दिल्ली में जब हम लोग शासन करते थे त्रिपुरा में, हमारा महाराज लोग जब शासन करता था त्रिपुरा को, हमको कोई हारा नहीं पाया, हम नहीं हारते थे. हुसैन शाह को हम हराया था, और ब्रिटिश लोग जब इंडिया को 200 साल शासन किया था तब भी त्रिपुरा हम स्वाधीन थे, हमको कोई नहीं हारा पाया. लेकिन जब 1949 में इंडिया के साथ हम मर्जर एग्रीमेंट किया, इंडिया में हम आ गया, तब से हमारा हार शुरू हो गया. हम जब
1949 में मर्जर एग्रीमेंट किए थे, हम त्रिपुरा में तब मेजोरिटी था। आज 2022 साल में आके त्रिपुरा सा लोग अपनी ही राज्य में सिर्फ 30% हो गया, उसका कारण कौन है, कौन जिम्मेवार है इसके लिए? इसके लिए जिम्मेवार है भारत सरकार। आज भारत सरकार को याद दिलाने के लिए आया हम लोग, प्रासा लोग थम्स अप होके मोदी जी के पास ये विमान रखने के लिए हम लोग आया कि मोदी जी तिप्रासा लोग इतना सहनते सहनते इस मोड़ पे खड़ा है। मुझे कोई हिंदी फिल्म का वो गाना याद आ रहा है, उस मोड़ से भी हम गुजरे हैं जिस मोड़ पे सब लूट जाते हैं। त्रिपुरा लोग लूट गया, त्रिपुरा में कुछ बचा नहीं हम हमारा लिए। हम आज आपको ये बात बोलने के लिए आया हूँ, अगर त्रिपुरा लोगों को अलग एक स्टेट बना करके उनका रक्षा नहीं किया जाए, बचने का और कोई रास्ता नहीं है। ये कोई जाति के खिलाफ नहीं है, ये कोई धर्म के खिलाफ नहीं है। हम मोदी जी और बीजेपी भाजपा को फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, आप लोग पिछले चुनाव में त्रिपुरा में बोले थे आप लोग कि ये त्रिपुरा से लोगों को बचाने के लिए त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल दिया जाएगा, और ये त्रिपुरा से लोग अपने भाषा में बात करता है कॉक बरफ को, उस कॉक बरफ को लिखने के लिए रोमान स्क्रिप्ट चालू किया जाएगा। कहाँ गए आपका त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल? 5 साल खत्म हो गया, फिर से चुनाव होगा त्रिपुरा में, आज तक टेरिटोरियल काउंसिल का कोई नजर हमको नहीं मिल रहा। और इसके लिए मोदी जी लोगों को जो वादा किया था आप लोग, उस वादा को फिर से याद दिलाने के लिए त्रिपुरा मोथा जंतर मंतर में सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन में बैठा है। फिर से मैं याद दिलाना चाहूंगा, जिस भाजपा ने हम लोगों को त्रिपुरा में बोला था रोमन स्क्रिप्ट में आपका कॉक बरफ को लिखा जाएगा, आज वही बीजेपी सरकार त्रिपुरा का वो बोल रहा है रोमन स्क्रिप्ट में नहीं होगा, बंगाली स्क्रिप्ट में होगा। इसके विरोध त्रिपुरा मथा आंदोलन करेगा, त्रिपुरा मथा बैठ के हजम नहीं करेगा इस चीज को। आप बोलते हो मोदी जी हम सब मिल करके देश को आगे बढ़ाएंगे, इतना अच्छा लगता है। मोदी जी का कुर्ता पिछले बार भी मैं बोला था, फिलहाल मेरे पॉकेट में उतना पैसा नहीं है, इस बार मेरा कुर्ता पिछले बार का जैसा अच्छा नहीं है, क्योंकि हम 1 साल काउंसिल में बैठने के बाद हमने देखा लास्ट ईयर मोदी जी का बीजेपी सरकार त्रिपुरा में हमको 600 करोड़ रुपए दिया था, इस बार उसको घटा के और कम पैसा दिया, लोगों के लिए काम करने के कोई पैसा नहीं है। ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दिया आपने, 38 साल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में हमने देखा त्रिपुरा के लिए डेवलपमेंट के काम हम नहीं कर सकते, पैसा नहीं है। वहां के सरकार त्रिपुरा का सरकार वो हमें पैसा नहीं देते। आप बोलते हो मोदी जी हर घर सुशासन पोस्टर लगाया जाता है त्रिपुरा में, पूरे देश भर में आज पोस्टर है, जहां भी जाओ मोदी जी का पोस्टर लगाया हुआ है। हम जानते हैं त्रिपुरा के लोग ये हीरा युग में किस दौर से हम गुजर रहे हैं, हम जानते हैं। त्रिपुरा में पीने का पानी नहीं है, पीने के पानी हमारे लिए नहीं है, हर जगह पीने के पानी का बंदोबस्त करने के लिए आपने बोला था 2022 साल तक पूरे राज्य में हर जगह में आप पीने के पानी के व्यवस्था करेंगे, लेकिन त्रिपुरा में जाके देखिए त्रिपुरा से लोग जहां है वहां पीने के पानी नहीं है, जहां त्रिपुरा से लोग नहीं है उधर पीने का पानी है। मोदी जी इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से त्रिपुरा से लोगों के लिए कुछ होने वाला नहीं है,
हमको सिर्फ एक ही डिमांड, एक ही चीज हमको रक्षा कर सकता है, वो है ग्रेटर तिप्रा लैंड। जहां जहां तिप्रा से लोग है उस जगह को लेकर के हमने तो मोदी जी को कभी नहीं बोला, कोई विकास खन्ना से रोटी छीन करके तिप्रा से लोगों को दो, कोई कैप्टन रथी का चिकन का हड्डिया हमको छीन करके कोई देवबर्मा जमातिया को दे दो, ये बात हमने कभी नहीं कहा और कहूंगा भी नहीं। हमने यही बात बोला तिप्रा से लोग जहां जहां है उसी जगह को लेकर के आप अलग एक राज्य बना दीजिए। हम लोग थैंक यू बोलते, धन्यवाद देते, भाजपा सरकार को हम धन्यवाद देते। आप लद्दाख में लद्दाखी के लिए आप यूनियन टेरिटरी बना सकते, हमारे तिप्रासा 14 लाख तिप्रासा के लिए आप क्यों नहीं बना सकते हो, आप बना सकते। कोई बोलता है त्रिपुरा का साइज क्या है, इतना से छोटा छोटा सा एक स्टेट, इस स्टेट को अगर बांट दिया जाए तो उस स्टेट का क्या साइज होगा। मैं भारत सरकार को याद दिलाना चाहता हूं, गोवा जो राज्य है गोवा इज ओनली 3700 स्क्वायर किलोमीटर। अगर हमारा एडीसी को राज्य बनाया जाए उसका जो एरिया है वो 7370 स्क्वायर किलोमीटर है, गोवा से काफी बड़ा स्टेट होगा, वो क्यों नहीं बनाया जाएगा। आप बोलता है कोई लोग त्रिपुरा में अरे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दिया, पैकेज दिया, निर्मला सीतारमन जी फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू मैडम, वेन यू विजिटेड त्रिपुरा यू प्रोमिस दैट 1300 crores विल बी स्पेंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ तिप्रासा पीपल इन त्रिपुरा। आज तक एक पैसा, 2 साल गुजर गया, एक पैसा तिप्रासा के लिए खर्च नहीं हो रहा है। दिस इज व्हाट वी वांट टू रिमाइंड इन दिस सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन। आपने क्या कुछ नहीं कहा, त्रिपुरा में एम्स जैसा अस्पताल बनाया जाएगा। आप चिल्ला चिल्ला के भाजपा के कार्यकर्ता लोग चिल्ला चिल्ला के बोला था दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, चेन्नई जाने की जरूरत नहीं है, त्रिपुरा में ही ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस खुला जाएगा। कहा है, मैं मोदी जी को प्रश्न करता हूं, कहा है आपका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आज त्रिपुरा में। यही चीज के लिए ये कोई मुफ्त से ये लोग नहीं आया, कोई अपना जमीन बिक्री कर दिया, कोई अपना दुकान बिक्री कर दिया, कोई अपने सोने के जो हार होता उसको गिरवी में रख के त्रिपुरा से इतना दूर आया, क्यों आया। मोदी जी जब कुछ नहीं सुन पाता है त्रिपुरा से, जंतर मंतर में जाके मोदी जी के कान में यह आवाज गूंजना चाहिए, तिप्रासा को ग्रेटर तिप्रा लैंड चाहिए। चुनाव की बात मैं नहीं करना चाहता हूं, चुनाव आएगा और चला जाएगा, यह बात भी याद रखना है। आज हर घर भाजपा की सरकार आप करना चाहते हो, कोई ऑपोजिशन पार्टी ना हो इंडिया में, ये आपका मकसद है, हमें उससे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन एक बात यह जानना है, हम हिंदुस्तानी है, हम तिप्रासा लोग हिंदुस्तानी है, हम दिल से हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तानी लोग होकर के भी आज बांग्लादेशी लोगों को सब कुछ दिया जाता है त्रिपुरा में, एक जमाने में वो हमारा था, आज वहां बांग्लादेशी लोग मिनिस्टर बनता है, चीफ मिनिस्टर बनता है। देश को जानना है ये तिप्रासा लोग हिंदुस्तानी है, त्रिलोचन का वंश ये जो तिप्रासा लोग अपने ही राज्य में आज माइनॉरिटी हो गया, और माइनॉरिटी होने का मतलब ये है आप पॉलिटिकल डिसीजन नहीं ले सकते हो। अगर कोई तिप्रासा को सीएम भी बनाया जाएगा वो कोई डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि डेमोक्रेसी में
आपका नंबर गेम होता, आपका एमएलए ज्यादा होना चाहिए, एमपी ज्यादा होना चाहिए, तब आप डिसीजन ले पाएंगे। तो ये पैकेज की बात करके इतना सा लोगों को अगर आप लोग चुपचाप बैठो, पैकेज देंगे 2000 करोड़ देंगे, 5000 करोड़ देंगे। मोदी जी हम लोग विनती करते हैं, हमको 5000-10000 करोड़ नहीं चाहिए, कोई पैसा मत दीजिए आप, लेकिन ग्रेटर टीप्रॉब्लम दे दीजिए, वही काफी है हमारे। और हम दिखाएंगे, कोई बोलता है, हम बोलता है इधर पूरे नॉर्थ ईस्ट में, दिल्ली में कभी पूछा जाता, मिजोरम के सीएम को वहां मुंबई में बोला जाता आपका आइडेंटिटी क्या है, लेकिन दिल्ली में जो लोग है, हमारा भाई बहन, आप सब लोगों को हम लोग ये बात बोलना चाहते हैं, नॉर्थ ईस्ट पूरे देश के साथ खड़े हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम भी आपके जैसे हैं, हमको आप इग्नोर नहीं कर सकता, ऐसा होना चाहिए। ऐसा ना हो कोई एक जमाने में यूपी से भारत वर्ष की प्रधानमंत्री होते थे, फिर साउथ इंडिया से हुई, अभी गुजरात से है, और मोदी जी अमित शाह जी दोनों गुजरात से है, इतना अच्छा लगता। पाकिस्तानी लोग जब आके गुजरात में अटैक करता है तो इनका दिलों को कितना दर्द होता वो महसूस कर पाते हैं हम। और आज मोदी जी और अमित शाह जी को भी ये दर्द महसूस करना चाहिए कि त्रिपुरा लोग अपने ही राज्य में आज माइनॉरिटी हो गया, उसको बचाने के लिए एक ही रास्ता है, अलग राज्य, वो है ग्रेटर त्रिपुरा। मैं इसमें कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूं, मैं किसी को एडवाइस नहीं दे रहा हूं। आप देखिए दिल्ली में जब एक सिर्फ पैर पुदे को काटा जाता है तो ग्रीन कोड आ जाता है, यू कैनॉट काट इवन ए सिंगल ट्री इन दिल्ली, ग्रीन कोड इज देयर। और वहां त्रिपुरा में मनुष्य, मानव, मैन, ह्यूमन बीइंग, वो बिना खाना बिना पानी, उसके लिए कोई अच्छा दवाई नहीं होता, वो मर जाता है, उसके लिए कोई कानून नहीं है। और यहां एक ट्रीस को भी आप काटा जाएगा फिर भी सरकार उधर बात करता है। मोदी जी और अमित शाह जी को मैं आज अपील करता हूं, आप एक इतिहास लिख दीजिए त्रिपुरा के लिए, त्रिपुरा के लिए आप ग्रेटर त्रिपुरालैंड देके एक इतिहास रचाइए, एक इतिहास बनाइए, आप बना सकते हो, आपके पास सब कुछ है, एमपी से राज्यसभा में है, लोकसभा में, हर जगह में है, आपका मेजोरिटी है, आप जो चाहते हो आप वो बना सकते हो। लेकिन हमारा ये बात को कभी इस तरीका से ना सोचे कोई कि कोई बंगाली के खिलाफ बोल रहा, कोई पंजाबी के खिलाफ बोल रहा, नहीं बोल रहा, आपने अधिकार मांग रहा हूं से, अपने त्रिपुरा को अपने अधिकार मिलना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो देर हो जाएगा, त्रिपुरा लोग रह गए ही नहीं त्रिपुरा में। हम बोलना चाहते त्रिपुरा लोग पहले बंगाली नहीं बोलता था, आज 99% त्रिपुरा लोग बंगाली बोल सकता, उसका कारण क्या है, क्योंकि बांग्लादेश से लोग आते ही रहता, सब बांग्ला बोलता। ऐसा ना हो पूरे नॉर्थ ईस्ट में कल कोई नागा बंगाली में बात करेगा, कल कोई मिजो बंगाली में बात करेगा, बात करते करते दिल्ली तक पहुंच जाएगा, कल कैप्टन रथी विकास खन्ना जैसे लोग भी बांग्ला ही बोलेगा, तब ये देश का अपना अपना असलियत नहीं रहेगा। मैं यही बात को चेतावनी देता हूं कि ऐसा हो रहा है त्रिपुरा से, पूरे बांग्लादेश वहां से लोग आते आते आज त्रिपुरा में जगह है ही नहीं। इसीलिए भारत सरकार को हमारे तरफ से अपील है, वी नो आज इधर देयर आर सो मेनी इंटेलिजेंट एजेंसीज, यू आर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन दैट व्हाट दिस त्रिपुरा मोथा इज डूइंग इन जंतर मंतर। त्रिपुरा मोथा इज ओनली आस्किंग फॉर स्टेटहुड,
The demand is greater Tripuraland. We are not asking separate country. We are only asking separate state. ये बात को भी समझना चाहिए। हम कोई अलग रास्ता नहीं मांग रहा है। हम मांग रहा है सिर्फ एक अलग राज्य हो त्रिपुरा के लिए। आज त्रिपुरा लोगों के लिए त्रिपुरा में हमारे काउंसिल बोलिए और काउंसिल के बाहर भी बोलिए, वहां कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा। जिन लोगों ने आके त्रिपुरा से दिल्ली में बैठे हुए सब लीडर को रिपोर्ट देता, उसने तो दिखाया इंटरनेट में हर जगह डेवलप हो गया। हीरा युग में है हम, कुछ नहीं हुआ। आज भी त्रिपुरा में बहुत सारे लोग भूखे प्यासे रात को सोते हैं। उसके लिए मोदी जी को फिर से हम याद दिलाना चाहते हैं, मोदी जी हम सब आगे बढ़ेंगे। जब त्रिपुरा लोगों को ग्रेटर त्रिपुरालैंड मिलेंगे, तब हम सब मिलकर देश को आगे बढ़ाएंगे। जब हमारा अपना ही स्थिति अच्छा नहीं है, तब हम देश के लिए क्या कर सकते हैं? हमारे ही वजूद, हमारे ही कंट्रोल, हमारे ही कुछ नहीं चल रहा उधर। हमारा जब चलेगा, हमारा जब होगा स्टेट, तब हम देश के लिए और अच्छा सोच सकता है। मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि ऑल आवर वॉरियर्स दे ट्रेवल फ्रॉम त्रिपुरा टू दिल्ली, सब थके हुए हैं। कल फिर से हम लोग अगेन विल सीट फॉर अनदर 6-7 आवर्स हियर इन द सेम प्लेस। कल भी हम धरना में बैठेंगे एक ही मांग को लेकर के कि ग्रेटर त्रिपुरालैंड होना है। ग्रेटर त्रिपुरालैंड जब तक नहीं देगा, त्रिपुरा लोग थंसा रहेगा और हम दिखाएंगे थंसा की ताकत क्या होता। ये कोई चेतावनी नहीं, त्रिपुरा लोग बिकते थे पहले, नोट देकर के त्रिपुरा लोगों को खरीदता था, अखबारों में छपवाया जाता है। 6 MDC चला जाएगा बीजेपी में, 5 MDC चला जाएगा कांग्रेस में। हम लोग चैलेंज देके बोल सकता है, कोई त्रिपुरा को लूट के बदले में और खरीद नहीं पाएगा। हम थमसा रहेंगे। सिर्फ हमारा मांग की है ग्रेटर त्रिपुरालैंड होना है। और हम हिंदुस्तानी है, भारत के साथ हम भारतीय है, हम इंडियन है, हम हिंदुस्तानी है। आप कुछ भी लैंग्वेज में बोलो, हर त्रिपुरा हिंदुस्तानी है। भारत हमारा देश है, हमें अधिकार मिलना है। थैंक यू सो मच। ये बात करके मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मेरा जो छोटा सा आलोचना और खास तौर से मोदी जी को याद दिलाने का जो बातचीत, मेरे ख्याल में इतना ही काफी है। मोदी जी फिलहाल इतना सुनते नहीं है, मोदी जी इतना सुनते नहीं है। मैं एक चीज बोलता हूं आपको, कोई एक ऑफिस से 2 आदमी को बुलाया था इंटरव्यू के लिए। जब एक आदमी क्लरिकल के लिए गया, क्लरिकल पोस्ट के लिए, उसको 1 घंटा बिठा के इंटरव्यू लिया था। और जब कोई चेयरमैन पोस्ट के लिए गया था, वो सिर्फ 1 मिनट में उसका इंटरव्यू खत्म हो गया। बाद में जिन लोगों ने इंटरव्यू लिया, इनको पूछा गया कि भाई ये किस तरीके की इंटरव्यू है, जो क्लर्क में है उसको 1 घंटा इंटरव्यू लिया आपने, और जो चेयरमैन के लिए गया था उसको सिर्फ 1 मिनट में आप छोड़ दिया। बोलता भाई देखो, जो चेयरमैन बनता है वो टाइपिंग नहीं करता, वो सिर्फ सिग्नेचर मारता और खत्म। 1 मिनट में सिग्नेचर और खत्म। और इस प्रकार से मोदी जी भी ज्यादा सुनते नहीं है, मोदी जी सब समझता है। क्योंकि मोदी जी जब त्रिपुरा में जाता है, कॉक बरफ में बात करता है। कोई त्रिपुरा का मंत्री भी कॉक बरफ में नहीं बात करता, लेकिन देश का प्रधानमंत्री त्रिपुरा में जाके कॉक बरफ में बात करता है। हम मोदी जी को सम्मान करते हैं, हम मोदी जी को धन्यवाद देते हैं। आप लोग, हम त्रिपुरा से लोग ये मत सोचिए
मोदी जी तिपरासा को नहीं जानता है, मोदी जी तिपरासा को जानता है और मेरा विश्वास है यही मोदी जी ग्रेटर तिपरालैंड बनाएंगे। आप देखिए एक दिन बनाएगा, वो दिन अभी ज्यादा दूर नहीं, वो दिन अभी ज्यादा दूर नहीं जिस दिन मोदी जी त्रिपुरा में नहीं जाएंगे, ग्रेटर तिपरालैंड में जाएंगे। मोदी जी ग्रेटर तिपरालैंड में जाएंगे और हम सब तिपरासा लोग मोदी जी का कुर्ता पहन के उनको हम लोग वेलकम करेंगे एयरपोर्ट में। वो असली महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट होगा, वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। मैं तो मानता हूँ आप लोग, हम सब लोग दिल्ली में आया और मोदी जी को अभी प्यार होने लगेगा। मोदी जी इन सब से बहुत प्यार करता है। आप देखिए जब भाषण देता है मोदी जी बोलते रहते हैं, मेरा दिल मेरा तन मेरा मन पिछले वर्गों के साथ है, तो हम क्या आगे वाला वर्ग है, हम भी पीछे वाला वर्ग है। और मोदी जी डेफिनेटली हमारा पिछले वर्ग तिपरासा लोगों के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, वो कुछ ना कुछ कुछ नहीं ग्रेटर तिपरालैंड ही करेंगे। और हम वादा करते हैं मोदी जी को, हम वादा करते हैं ग्रेटर तिपरालैंड के हर सब डिविजन में मोदी जी का स्टेचू बनाया जाएगा और मोदी जी का स्टेचू हम लगाएंगे, क्योंकि मोदी जी ही तिपरासा के अधिकार को फिर से तिपरासा के हाथ में दिया। आप देखिए मेरा तो बाकी लोगों का विश्वास हो या ना हो, मैं अनिमेश जयवर्मा मेरा तो पूरे विश्वास है मोदी जी ऐसा वैसा लीडर नहीं है। भारत वर्ष में बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री हुए लेकिन मोदी जी उन सब से अलग है। मोदी जी आज वर्ल्ड लीडर है, अमेरिका में स्वागत किया जाता है मोदी जी के लिए, यूके में स्वागत किया जाता है। मोदी जी वर्ल्ड लीडर है, स्ट्रांग लीडर है। स्ट्रांग लीडर के कितना इंच का मेरा चेस्ट, कुछ दिन पहले मेरा 41 इंचेस करके बोला, मोदी जी का 56 इंच का सीने में तिपरासा के लिए जगह है, जरूर जगह है। मोदी जी ग्रेटर तिपरालैंड जरूर देंगे, लेकिन मोदी जी को याद दिलाते रहना पड़ेगा। इसीलिए जो लोग बोलता है भाई पिछले बार गया था इस बार भी जाएंगे आप लोग, दो बार में ग्रेटर तिपरालैंड मिलेंगे क्या, नहीं भी मिल सकता है। यह हमारा काम है, तिपरासा लोगों को काम है, हमको मोदी जी को याद दिलाते रहना चाहिए कि हमें ग्रेटर तिपरालैंड चाहिए। और एक दिन मोदी जी अपने रूप में जब पार्लियामेंट में खड़े होके देश को संबोधन करेंगे कि हम तिपरासा लोगों के लिए भाई दे ही दिया ग्रेटर तिपरालैंड, उस दिन हमारा जीत होगी। देखो भाई हमसे कोई भाजपा से कोई दुश्मनी नहीं, कांग्रेस से हमारा कोई दुश्मनी नहीं, क्योंकि कांग्रेस भी पार्लियामेंट में जाके तिपरासा लोगों के लिए बात कर सकता। जब तेलंगाना स्टेट बनाया गया था तब भाजपा ऑपोजिशन में होकर के भी तेलंगाना के लिए उन लोगों ने भी बात किया था। आज राहुल गांधी जी है, बहुत सारे कांग्रेस के एमपीज है, आप लोग भी पार्लियामेंट में जा करके जब मोदी जी बोलेंगे किसी को एतराज है ग्रेटर तिपरालैंड के बारे में, कांग्रेस सांसदों को भी बोलना चाहिए हमको कोई एतराज नहीं है, ग्रेटर तिपरालैंड जल्द से जल्द हो। तब ही आप हम गाते रहते सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, अरे हम आज वही गाना को फिर से थोड़ा सा मॉडिफाई करके बोलना चाहते, सारे जहां से अच्छा तिपरासा हमारा और ग्रेटर तिपरालैंड हमारा, वो होना चाहिए, ग्रेटर तिपरालैंड मिलना चाहिए। जब ग्रेटर तिपरालैंड होगा आप लोग देखिएगा अमित शाह जी और मोदी जी का पूरा स्टेचू बना के, मायावती जी ने पहले दर हाथी बनाया था। हम वादा करते सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो स्टेचू है उससे दो गुना स्टेचू मोदी जी का बनाया जाएगा। लेकिन और
और भी वादा करता हूँ, अगर ग्रेटर तिप्रालैंड होगा, मोदी जी को बारिश के दिन में भी हम बिकने नहीं देंगे, उनको हम सुरक्षित रखेंगे। और भी वादा करता हूँ, मोदी जी को हम रात के अंधेरे में दिखाई ना दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मोदी जी के लिए हम लोग अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई देके रात को भी मोदी जी को दिखाई देना चाहिए, इतना सम्मान हम करेंगे मोदी जी को। लेकिन एक ही विनती है, ग्रेटर तिप्रालैंड जल्द से जल्द घोषित किया जाए पार्लियामेंट में, बस हो गया। कोई बोलता है खाना खाने के बाद, जैसे मुझे कोई घर पे खाने के लिए बुलाया तो हम बोलता भाई ठीक है, चिकन खिलाया, मटन खिलाया, उससे दिल बढ़ता नहीं है। मुझे अंतिम में, खाने के अंतिम में कम से कम अगर 2 गुलाब जामुन मिलता, मैं बोलता बस हो गया। मैं आपको बोलता हूँ, इतना हंगामा, इतना सब, इतना सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन, मैं मोदी जी के पूरे टीम को बोलता हूँ, हमको कुछ नहीं चाहिए, आप दीजिए पैकेज, आप दीजिए बहुत कुछ, घर घर में सुशासन कीजिए, मोस्ट वेलकम। लेकिन हमको सिर्फ एक छोटा सा चीज चाहिए, वो है ग्रेटर तिप्रालैंड। तब देखिए तब क्या होगा, तब ग्रेटर तिप्रालैंड के बाद के हम क्या जंतर मंतर में आएंगे? हम जंतर मंतर में नहीं आएंगे, तब हम मोदी जी का चरण छूने के लिए उनके घर पे जाएंगे, लाखों हजारों तादाद में तिप्रासा लोग मोदी जी के घर जाएंगे, सिर्फ मोदी जी के पैर छू के आशीर्वाद लेने के लिए। बस हम क्या ये झूठ बात बोल रहा, ये किसी को झूठ लग रहा है? ये असली सच्चा बात, ये 41 इंच सीने वाला बात, ये 56 इंच का नहीं है, लेकिन 41 इंचेस का ये बात है। और दिल से बोल रहा हूँ, हम दिल से हिंदुस्तानी है, सब तिप्रासा मोदी जी का आशीर्वाद लेंगे ग्रेटर तिप्रालैंड होने के बाद। बस ये ऐलान है। और मैं ज्यादा बात करना चाहता हूँ, जब मैं कैप्टन रथी को देखता हूँ, सिर्फ मुझे इशारा किया जाता कि भाई और लगाओ और बात करते रहो। देखिए, ज्यादा बात करने से कुछ नहीं हो, आप क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं। हम मोदी जी को समझा दिया कि भाई मोदी जी हमको ग्रेटर तिप्रालैंड चाहिए, अगर उसके बाद भी आपको कुछ और बोलना है तो जाके डायरेक्ट 1-to-1 अपॉइंटमेंट में जाके आप बोलिए। ऐसा बात भी तो होगा जो ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन में नहीं बोल सकता, जैसे मैं मोदी जी को मैं एक चीज जाके बोलना चाहता हूँ, वो मैं इधर बोलना नहीं चाहता, फिर भी कैप्टन रथी ने बोलता, अरे बोलो। मोदी जी को मैं उनके कान में एक बार जाके बोलना चाहता हूँ, मुझे 2 दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दीजिए, उस 2 दिन में वही 2 दिन में मैं ग्रेटर तिप्रालैंड दे दूंगा, बस खत्म। वो भी बस, वो अनिल कपूर ने किसी एक फिल्म में 1 दिन के लिए सीएम बना था, मुझे 2 दिन चाहिए। क्यों चाहिए? पहला दिन त्रिपुरा से आएंगे, थोड़ा थक जाएंगे, और दूसरे दिन नहा के अच्छा से मैं ऐलान करूंगा, मैं देश का प्रधानमंत्री ऐलान कर रहा हूँ, ग्रेटर तिप्रालैंड हो गया, बस। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, असली प्रधान वो तो नकली प्रधानमंत्री अनिमेष देवर्मा होगा 2 दिन के लिए, लेकिन देश का असली प्रधानमंत्री का नाम है श्री नरेंद्र मोदी जी, वही असली प्रधानमंत्री है, और उन्होंने ही ये असली ग्रेटर तिप्रालैंड भी हमारे लिए देंगे, ये बात। थैंक यू सो मच जोतर बेलाई बेलाई हम भाई बुसुको सागा बुसुको काम का सिलिया अबे देश की प्रधानमंत्री अमन नहीं नहीं बो श्यमानुभ चीनी वक्तृता ने 3 बार नहीं खा बो भाई 3 बार नहीं खान न खबर तो एवं तकलाई
मक्तृदान पड़े तीन बै तीन न गुंड नई बार नहीं बनाई जाए नई बार नहीं हम अनुसार बलै बलै हम भाई ताकू कई बुकुक्स खना तैस फाइ एकदम धमाका तैस खाई पाई नाई मुसुक कक साइन गान कक नम बताक्सिने दीप्रामोथ एक लोग तुम दीप्रासा दीप्रादोफा एक लोग तुम बुबाग्रा एक लोग तुम हम भाई